फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन एडविज एकेडमी और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 एंड चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट है जिसपे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इंडिया में आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या अदर वनडे एग्जाम्स हो, जिन एग्जाम्स में जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे एग्जाम में ये क्लास बहुत काम आने वाली है। ठीक है, और सेकंड ये है कि जो ये पढ़ने पढ़ाने का तरीका है एनसीईआरटी का, तो उसमें टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ये होती है कि यहाँ पीछे स्लाइड्स में एनसीईआरटी की बुक को डाला जाता है और उसमें टीचर पढ़ाते हुए निकल जाता है। ठीक, सेकंड ये है कि एक समरी टाइप में जैसे मैं पढ़ाता हूं। तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस है कि जो एनसीईआरटी बुक होती है वो तो बुक आपके भी पास होती है और उसी बुक को अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं पर चैप्टर ऐसे एक एक लाइन, तो उसमें से क्रक्स निकालना इतना आसान नहीं होता है। और एनसीईआरटी में क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस वाइज नहीं दिया गया होता है, अलग अलग जगहों पे दिया गया होता है, तो उसको अरेंज करना थोड़ा स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। इस टीचिंग में यह है, जैसे चैप्टर नंबर 4 है, तो इसका पूरा क्रक्स, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइप से आपको पढ़ाया जाता है और एक जगह पे एक नोट के फॉर्म में सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये तरीका आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक एंड बरियल्स टेल्स अस, यानी क्या बताती हैं हमें किताबें और ग्रेव्स यानी कब्रें। तो इस चैप्टर में मेनली इन चीजों पे बात किया गया। अब एक एक पॉइंट उठा के देखते हैं। वैदिक एज, ठीक, वेदास एंड आर्यंस, यानी ये वेदों की बात करिए, इंडिया की या दुनिया की कह सकते हैं सबसे पुरानी किताबों में से एक किताब है वेद, वेदास, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे और जिस टाइम ड्यूरेशन में वो लिखा गया, लगभग ऋग्वेद को लिखने में 500 ईयर्स लगे, तो वो एक पीरियड भी था, उस पीरियड के बारे में जानेंगे। आगे इसको लिखा किसने, आर्यंस ने लिखा, तो हम आर्यंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ये कौन थे, कहां से आए। ठीक, अबाउट वेदास इन डिटेल्स। अब जो वेद है उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर इनके उपवेद भी हैं, तो उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली अबाउट ऋग्वैदिक सोसाइटी। एनसीईआरटी के आपके चैप्टर नंबर 4 में ऋग्वैदिक सोसाइटी के बारे में ही बात किया गया, यानी ऋग्वेद के बारे में बात किया गया। ठीक है, जो अदर वेद है उसके बारे में बात नहीं की गई है। इंडिया में जो बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में डिटेल से बताया गया कि कौन सी लैंग्वेज किस फैमिली की है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और मेगालिथ एज यानी महापाषाण काल, तो मेगालिथ एज क्या थी, उसको मेगालिथ क्यों कहा गया, उस टाइम पीरियड की सोसाइटी क्या थी, उसके एविडेंसेस कहां से मिले हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक है वेदास। ठीक है, द ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी क्या है, जो वेद है ये दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से क्या है, एक है। ओके, और वेदाद मींस नॉलेज, क्या होता है वेद का मतलब, क्या होता है वेद का मतलब, होता है नॉलेज यानी ज्ञान। ठीक, एक चीज और यहां ऊपर मैं बता देना चाहूंगा कि जिस वेद की बात करें, वेद से आप पता नहीं कितना समझ पा रहे होंगे, जैसे जितने भी रिलीजन है दुनिया में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, तो हर धर्म में कुछ ना कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ ना कुछ किताबें लिखी गई हैं। ठीक, उसी तरह हमारे देश में जो सबसे पुरानी किताब है इंडिया में हिंदू रिलीजन में, वो है वेद, जिसको हजारों साल पहले लिखा गया, और उसी बुक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है इसमें कि वेदों का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है विच टाइप ऑफ नॉलेज, इन किताबों में ये जो वेद हैं, इन वेद में किस टाइप के नॉलेज की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन से नॉलेज की बात की गई, तो क्या क्या है इसमें, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी वेदास में, म्यूजिक से रिलेटेड चीजें हैं, जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स मींस रीति रिवाज, उसके भी बारे में बात किया गया है, इसके अलावा मेडिकल एंड ट्रीटमेंट के
के बारे में भी बात किया गया है। ठीक, इस बुक में आपको मैथमेटिक्स का भी जिक्र मिलेगा, उसके अलावा हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, वेपन्स एजुकेशन। ठीक, तो इस बुक में ये जितनी भी चीजें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, ये सारी चीजें उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो नॉलेज था, जो इस बुक में इतने सारे नॉलेज दिए गए हैं, वो आया आखिर कहां से, उसका सोर्स क्या था, स्रोत क्या था उसका। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि गॉड ने, जो प्रेस्ट थे, पुजारी थे, उनको ये ओरली नॉलेज दिया था, यानी जो वेदांत में नॉलेज है, जिन नॉलेज की बात की गई है, उस नॉलेज को गॉड ने क्या किया था, जो पुजारी थे उनको ओरली बताया था। ठीक, और ये नॉलेज जो है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक काफी लंबे समय तक ओरल फॉर्म में चलता रहा, यानी गॉड ने ऋषियों को बताया और वो जो लोग थे उनको ओरली बताते गए, और काफी लंबे टाइम पीरियड तक ये ओरली ही चलता रहा। ठीक है, ये नॉलेज ओरली ही चलता रहा। Who wrote the Vedas? आखिर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब वेदों को कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। अभी तो ओरली चल रहा था, फिर उसको कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं किसने लिखा। इट इज रिटन बाई आर्यंस, यानी जो आर्यन थे, आर्यन कौन थे, आगे इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी बस थोड़ा सा यहां बता देता हूं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, इस वैदिक एज की बात हो रही है, वो नॉर्थ इंडिया में थी, और यहां जो रहने वाले लोग थे उनको ही आर्यन कहा गया। ठीक, ये आए कहां से थे, ये आए थे इधर सेंट्रल एशिया से। तो ये कह रहा है कि ये जो वेद लिखे गए रिटन फॉर्म में, उनको किसने लिखा, आर्यन ने लिखा। ठीक, यह पहले मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, और फिर बाद में पेपर पे लिखा गया। यानी आपको ये पता है कि एंशियंट टाइम में, ठीक है, उस टाइम पीरियड में लिखने के लिए इंसानों के पास ज्यादा सुविधा नहीं थी, तो वो क्या करता था, वो उस टाइम पीरियड में पेड़ के पत्तों पे लिखता था। ठीक है, हड्डियों पे लिखता था, गुफा और अदर पत्थरों पे लिखा करता था। ठीक, तो वेद में जब स्टार्टिंग में लिखे गए, तो ये वेद किस पे लिखे गए, ये पेड़ की पत्तियों पे लिखे गए, जिनको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है और हिंदी में उसको पांडुलिपि भी कहा जाता है। तो उसके बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, आप यहां पे ये देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता था। और जब बाद में कागज का आविष्कार हुआ, पेपर का आविष्कार हुआ, कहां हुआ था, यहां पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन भी इससे पूछा जा चुका है। तो दुनिया में सबसे पहले जिन लोगों ने पेपर की खोज की थी, वो थे चाइना के लोग। ठीक है, यानी चाइना में सबसे पहले कागज की खोज की गई थी। तो जब स्टार्टिंग में इन्होंने पत्तियों पे लिखा, और बाद में जब कागज की खोज हो गई, पेपर की खोज हो गई, तो पेपर में भी क्या किया, वेदास को लिखा। ठीक है, तो ये वेदों के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी यहां देख लेते हैं क्या कह रहा है। टाइप ऑफ वेदास, इतने टाइप के वेद हैं, तो मेनली चार टाइप के हैं। जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी टोटल नंबर ऑफ वेदास कितने हैं, चार हैं, जिनमें सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। ठीक, इसके अलावा इन वेदों के चार उपवेद भी हैं। ठीक, आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे छह वेदांग भी हैं। तो इसके बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें आपको एकदम जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, चार वेदास के बारे में बताया गया है, और डिटेल जो बताया गया है वो ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। लेकिन आगे जब आप एडवांस चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी का, तो उसमें डिटेल में दिया गया, वहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बट यहां अभी चार वेदों की ही बात की गई है। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज्यादा किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ऋग्वेद जो है, ये सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा ये है कि ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रेयर्स हैं। ठीक, 1000 से भी ज्यादा क्या है, प्रेयर्स हैं, और उन प्रेयर्स को क्या कहा जाता है, सुक्ताज भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ही होगा, सुक्ताज। ठीक, अब ये देखते हैं ये प्रेयर्स किसके लिए लिखी गई थी। तो ये प्रेयर गॉड एंड गॉडेस को डेडिकेटेड है। ठीक है, यानी देवी और जो देवता हैं उनके लिए जो प्रेयर्स क्या है, डेडिकेटेड है, उनके लिए लिखी गई है। ठीक है,
अब देखते हैं कि ऋग्वेद में मेनली किन किन गॉड का जिक्र किया गया है। ओके, तो इसमें सबसे पहले बात की गई है अग्नि की। अग्नि कैसे गॉड थे? ये थे गॉड ऑफ फायर, यानी ये आग के देवता थे। ठीक है, दूसरा जो जिक्र किया गया है वो है इंद्र। इंद्र कौन थे? गॉड ऑफ वॉर, यानी ये वार के देवता थे, युद्ध के देवता थे। ठीक है, और थर्ड जिक्र किया गया सोम का। तो उस टाइम पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में, ठीक है, सोम क्या था? ये एक प्लांट था जिससे सोम रस नाम का एक ड्रिंक बनाया जाता था, जो आर्यंस का बहुत फेमस ड्रिंक था, उसको बहुत फेवरेट ड्रिंक था, जिसको बहुत ज्यादा पिया करते थे। ठीक है, तो उसी सोम रस के बारे में यहां बात कर रहा है। ऋग्वैदिक प्रेयर्स को प्रिस्ट ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। भाई जब ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं तो जो बुक लिखी गई है वेदास, ठीक, तो वेदास किस लैंग्वेज में लिखी गई है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो वेदास जो लिखी गई है वो लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन हमने देखा ऋग्वेद के बारे में, ये बताया गया कि सबसे पुराना है और सबसे पहला है। ठीक है, इसमें थाउजेंड से भी ज्यादा प्रेयर्स है जिन्हें सुक्ताज कहा जाता है, और ये इसमें जो प्रेयर्स है वो गॉड एंड गॉडेस को डेडिकेटेड है। ठीक, और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट देवी देवता है उनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋग वैदिक पीरियड। ठीक, यहां किसकी बात कर रहा है? ऋग वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहा है। और ऋग वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी और जो वो लड़ाइयां लड़ते थे ऋग वैदिक काल में रहने वाले लोग, या जो उनके लीडर थे, या प्रिस्ट थे, पुजारी थे, या कैटल पशु, यानी ऋग वैदिक एज में, पहले भी मैंने बताया कि ऋग वैदिक एज जो थी उसमें जो बुक लिखी गई ऋग्वेद, वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग 500 इयर्स का था। ठीक है, तो उसमें सोसाइटी भी थी, लोग उसमें रहते थे, वो लड़ाइयां भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, तमाम तरह की चीजें थी, पशुपालन करते थे, तो उन सारी चीजों के बारे में इसमें क्या है हम एक एक करके जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ऋग वैदिक सोसाइटी कैसी थी, कैसे लोग उसमें रहते थे। ठीक, तो फर्स्ट है कैटल चिल्ड्रेन, स्पेशली क्या सन्स यानी लड़के, हॉर्स को पाने के लिए ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स हैं। यानी क्या है, ऋग्वेद में कैटल के लिए, पशुओं के लिए, और चिल्ड्रेन स्पेशली उसमें भी क्या सन लड़का, और हॉर्स को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेयर्स ऋग्वेद में हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आखिर क्या रीजन था कि इनके लिए, कैटल और चिल्ड्रेन के लिए या हॉर्स के लिए इतनी सारी प्रेयर्स हैं। उसका कुछ तो रीजन रहा होगा लोग इतनी सारी प्रेयर करते थे। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। पहले सबसे पहले बात करेंगे हॉर्स पे। तो हॉर्स क्या करता था, इससे कई तरह के काम लिए जाते थे। पहला है ये होता था रथ खींचने के लिए, जिसको कार्ट कहा जाता है, यहां आप फिगर में देख सकते हैं। तो एंशियंट टाइम में, उस टाइम पीरियड में, वैदिक एज में, लोग सवारी करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस तरीके का यूज करते थे, रथ का, या इसको कार्ट भी कहा जाता। ठीक, इसके अलावा जब वॉर होते थे, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है जब लड़ाइयां होती थी तो लड़ाइयों में भी इस तरह के कार्ट्स का यूज यानी रथ का यूज होता था। ठीक, इसके अलावा हॉर्स का इंडिविजुअल भी यूज होता था। चलो लड़ाई हुई, उसमें आप रथ ले गए, ठीक है, उसके अलावा क्या होता था कि ये जो हॉर्स है आपका, इसका इंडिविजुअल यूज भी लड़ाई में होता था। आपने देखा होगा बहुत सारे घुड़सवार जो होते हैं तलवार से फाइटिंग करते थे, तो वो अकेले ही बैठे होते हैं हॉर्स पे। तो ये सारा रीजन था जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, हॉर्स के लिए प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करते थे। ठीक, अब नेक्स्ट है कि प्रेयर जो होती थी वो कैटल के लिए भी होती थी, क्योंकि उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें कैटल का यानी पशुओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनसे उनको बहुत तरह की चीजें मिलती थी खाने पीने की, और भी एग्रीकल्चर में भी ये काम आते थे एनिमल्स, यानी एक तरह का इकोनॉमिकल बेनिफिट था। तो उस एक इकोनॉमिकल बेनिफिट की वजह से इनकी प्रार्थना भी की जाती थी। और आगे चल के देखेंगे कि इसी में वैदिक एज में ही एनिमल्स के लिए बहुत सारी लड़ाइयां भी होती थी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सन के लिए भी प्रेयर की गई है। आखिर सन
मतलब एक तो बात होती है बच्चों की, लेकिन उसमें भी स्पेशली लड़के की, बॉय की। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वंश यानी डेंसिटी को आगे बढ़ाने के लिए, कि ऐसा माना जाता है आज भी हमारे सोसाइटी में कि जो लड़का होता है वही वंश को आगे लेके चलता है, हमारी डेंसिटी को आगे लेके चलेगा। ठीक है, जबकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसा माना जाता था। इसलिए सभी लोग चाहते थे कि भाई हमें पुत्र की प्राप्ति हो, यानी हमारा बेटा ही हो। और एक रीजन था जिसकी वजह से प्रेयर की जाती थी लड़के को पाने के लिए, कि उस टाइम की, उस समाज के लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो पैट्रियार्कल थी। पैट्रियार्कल मीन्स हिंदी में होता है पितृसत्तात्मक, यानी इसको। और एक देखें हम वर्ड एक यूज होता है, वो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की मेंटेलिटी होने की वजह से लोग प्रे करते थे किसके लिए, कि हमको बेटा ही हो। ठीक है, तो ये तीन रीजन थे जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, बहुत सारे प्रेयर्स बनी इनके लिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में जो बैटल होता था, जो लड़ाइयां होती थी, उसका क्या रीजन था। वैदिक एज में लड़ाइयां होने का क्या रीजन था, तो उसमें आइए देखते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि कैटल के लिए लड़ाइयां होती थी, क्योंकि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैटल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, तो इसके लिए लड़ाइयां होती थी। ठीक, फिर लैंड के लिए भी लड़ाई होती थी, जमीनों के लिए लड़ाइयां होती थी। क्यों? अब लैंड के टू टाइप्स होते हैं, एक वो जगह जहां जहां पे एनिमल्स आज भी देखते हैं, जो बहुत सारे चरवाहे होते हैं पहाड़ों में या प्लेन्स में, जहां पे बकरियां या अदर एनिमल्स को चराते हैं, जिस लैंड पे वहां पे बहुत सारी घास वगैरह होती है। तो एक तो वो लैंड थी, दूसरी एग्रीकल्चर लैंड थी। तो जिस लैंड के लिए वैदिक पीरियड में लोग लड़ते थे, तो उस लैंड का दो बेनिफिट था, एक तो एनिमल्स के लिए जहां पे वो उनके लिए फूड मिलता था, और दूसरा एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर के लिए। वाटर के लिए भी बहुत सारी लड़ाइयां उस टाइम पीरियड पे होती थी। ठीक है, और फोर्थ है लोगों को स्लेव बनाने के लिए। उस टाइम में जब लड़ाइयां होती थी, तो उसमें एनिमल्स को भी लूटा जाता था, इसके अलावा अदर भी जो चीजें मिलती थी, जैसे कोई सामान गहना वगैरह, वो भी लूटा जाता था। लेकिन उसके साथ साथ इंसानों को भी बंदी बना लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको स्लेव बनाने के लिए, यानी दास बनाने के लिए। और आगे आप चल के देखेंगे, ये जो राजा होते थे एंशिएंट पीरियड में, वो क्या करते थे, उनके दरबार में बहुत सारे स्लेव्स रहते थे, जिनसे बहुत तरीके का काम लिया जाता था। ठीक है, उस बारे में हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि हु यूज टू फाइट, यानी युद्ध कौन लड़ता था, उन लड़ाइयों को कौन लड़ता था। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। हमने इससे पहले देख लिया कि लड़ाइयां क्यों होती थी। ठीक है, अब देखते हैं कि लड़ाइयों में कौन लोग लड़ते थे। ठीक, तो उसमें एक होता था लीडर, और दूसरे होते थे कॉमन पीपल। क्योंकि आप यहां बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा कि जो वैदिक एज की, खासतौर पर ऋग वैदिक एज की जो सोसाइटी थी, उसमें वो एक तरह का कबीलाई समाज था। और कबीलाई समाज में जो वर्ड स्पेशली यूज होगा आगे चल के, जैसे किंग या एम्परर जो वर्ड यूज होता है, वो वर्ड इसके लिए नहीं था। इनमें इनका एक कॉमन लीडर होता था और आम जनता होती थी। ये उस टाइप के राजा नहीं होते थे जो बाद में आप हिस्ट्री में देखेंगे बहुत बड़े बड़े राजा हुए, बहुत उनके पास आर्मी थी, एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें वो करते थे, टैक्स वसूलते थे, लड़ाइयां करते थे। ये वैसे राजा नहीं थे। ये क्या था, जैसे एक कबीला है, उसमें 200-300-500 लोग रह रहे हैं, तो उनमें से किसी एक उठा के अपना लीडर बना लिया, और कोई इनका स्पेशली महल वगैरह नहीं होता था, वो कॉमन पीपल की तरह ही रहता था। ठीक है, तो उस कबीलाई समाज में क्या होता था, एक लीडर होता था और एक कॉमन पीपल, यही दो लोग मिलके क्या करते थे, लड़ाइयां करते थे। ठीक, अब ये देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है, जो कबीलाई समाज है, उसमें जिसको लीडर बनाया जाता था, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती थी। तो लीडर उसी पर्सन को इलेक्ट किया जाता। देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या किया जाता था, ऐसा नहीं था कि आप बहुत ताकतवर है या इस टाइप के लोग हैं तो आप खुद ही कह दे कि नहीं भाई मुझे लीडर बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पब्लिक क्या करती थी, इलेक्ट करती थी। जैसे आज आप एमपी और एमएलए को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, इसी तरह जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी, उसमें जो उनके लीडर थे, उनको इलेक्ट किया जाता था। ये वर्ड
याद रखेंगे आप, ठीक। इलेक्ट किया जाता था और क्या स्किल देखी जाती थी? तो दो स्किल देखी जाती थी, एक तो वो जो पर्सन है वो ब्रेव हो, क्या हो? ब्रेव हो, यानी बहादुर हो, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर थोड़ा सा लड़ाइयां करने का, बैटल में जाने के लिए जो स्किल चाहिए एक फाइटर के अंदर, वो स्किल उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए। तो यही दो तीन चीजें थी जो उस लीडर के अंदर देखी जाती थी, ठीक। तो लीडर ऐसे ही पर्सन को चुना जाता था। और नेक्स्ट, इससे पहले मैं जिक्र कर ही चुका हूं, ये लिख रहा है कि लीडर के पास ना तो बहुत बड़े महल थे रहने के लिए, और ना ही इनके पास कोई परमानेंट आर्मी थी, और ना ही ये टैक्स वसूलते थे। यानी ये जो किंग था, किंग नहीं कहूंगा सॉरी, लीडर, तो इस लीडर के साथ जो लोग लड़ने जाते थे वो कौन थे? सोसाइटी में रहने वाले कॉमन पीपल थे, ठीक। और ये लीडर होता था, यही लोग उस टाइम पीरियड में लड़ाइयां करते थे, ठीक है। और देखिए, इनकी एक असेंबली होती थी, और उन असेंबलीज का नाम भी है, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, ये आगे आपको काम आएगी। तो वहां क्या करते थे, जैसे एक इनकी असेंबली होती थी, जैसे आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का या अदर सोसाइटीज में बैठक के लिए एक जगह निर्धारित होती है कि भाई यहां बैठे, ये एक जगह है, यहां बैठ के सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, या जो डिसीजन लेना होता है लेते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में है आज भी, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या अदर कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी हो। तो उस टाइम पीरियड में भी ऐसी एक जगह थी, और वहां क्या करती थी, लोग बैठते थे डिस्कशन करने के लिए, और उनको कहा जाता था सभा, समिति एंड विदत। तो जो विदत थी, जो थर्ड वाली थी, वो सबसे पुरानी असेंबली थी, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन था उनका, और उनमें कॉमन पीपल और जो लीडर होते थे वो बैठते थे, वो वॉर पे, वॉर के लिए, पीस के लिए, और अदर जो भी उनके सोसाइटीज के इश्यूज थे उस पे वो बातें करते थे, डिस्कस करते थे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट भी एंड हो गया। तो हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या देखा कि उस टाइम पे जो प्रेयर होती थी कैटल, चिल्ड्रेन और हॉर्स के लिए, स्पेशली ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर है, और क्यों लोग चाहते थे हॉर्स, क्यों चाहते थे, क्योंकि उसका इकोनॉमिकल रीजन था, अदर भी रीजन थे, कैटल क्यों चाहते थे, सन क्यों चाहते थे, वो सारे रीजन मैंने डिस्कस कर दिया है, लड़ाइयां कौन लड़ता था ये भी हमने डिस्कस किया, और रीजन क्या था उस समय जो वॉर या बैटल होते थे उसके रीजन क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है और आज भी बता दे रहा हूं कि वो हम एक अलग वीडियोज की सीरीज बनाएंगे, जिस सीरीज में हम क्या करेंगे, एक एक करके जो भी चैप्टर है उनके क्वेश्चन पेपर जो है उन पे डिस्कस करेंगे, और कितने बन सकते हैं उस पे भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पीपल लिविंग इन ऋग वैदिक सोसाइटी, यानी ऋग वैदिक सोसाइटी में रहने वाले लोग, अब इस टॉपिक में उन लोगों की बात कर रहा है जो ऋग वैदिक सोसाइटी में रहते थे। तो आइए देखते हैं कौन थे वो लोग। एक तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में बहुत बड़ा एक रोल था, वो था प्रिस्ट का, यानी जो पुरोहित या पुजारी होते थे, जो रिलीजियस मैटर देखते थे, एक तो वो थे। और ये क्या करते थे, ये लोग रिचुअल्स करते थे, ठीक। रिचुअल्स मींस यज्ञ और अनुष्ठान। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे ये यज्ञ और अनुष्ठान होता है जो रिलीजियस मैटर है, तो उसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे डिटेल में दिया नहीं गया है, बट आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे इसमें तरह तरह की चीजें होती थी, ठीक। दूसरा, ये लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लीडर्स के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि ये पब्लिक, इनको पब्लिक इलेक्ट करती थी, इनके पास कोई परमानेंट आर्मी ना थी, और ना ही ये लोग टैक्स लगाते थे, ठीक है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली एंशिएंट पीरियड में आप देखेंगे कि अगर कोई किंग डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद उसका जो सन होता है, जो लड़का होता है, वो ऑटोमेटिक किंग बन जाता है। बट ऋग वैदिक पीरियड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, अगर किंग की डेथ हो जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका लड़का ही किंग बनेगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं ऋग वैदिक पीरियड में आम पब्लिक कैसी थी, यानी उस टाइप की सोसाइटी में जो आम जनता थी वो कैसे रहती थी, और उसमें कौन कौन लोग थे। तो पहली जो कैटेगरी है आम जनता की, पब्लिक की,
उसमें रहते थे आर्यन। आर्यन के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि ये वो लोग थे जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे, ठीक। और अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा कि जो ये साउथ इंडिया का आप पार्ट देखते हैं और ऊपर ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट देखते हैं, तो ज्योग्राफी में आप जाके देखेंगे तो ये प्लेट जो है ये अफ्रीका से टूट के यहाँ पे आई हुई थी। तो इसमें जो रहने वाले लोग थे अफ्रीका में, आपको पता है निग्रो रहते हैं, तो उसी की एक ब्रांच थी जिसको कहा था निग्रेटो। तो ये रहने वाले लोग जो थे इस साउदर्न पार्ट में वो निग्रेटो थे, ब्लैक कलर के थे, घुघराले बाल थे, ठीक। और ये जो नॉर्दर्न पार्ट आप देखेंगे तो हिस्ट्री में इंडिया में अलग अलग टाइम पे जो बाहर से लोग आए, ज्यादातर सेंट्रल एशिया और वो जो मेडिटेरियन देखा था वहां से, काकेसस जो पर्वत है वहां से लोग इंडिया में क्या करेंगे, ज्यादातर एंट्री करेंगे नॉर्थ इंडिया में। लेकिन साउथ इंडिया में और कुछ कुछ यहाँ जो बॉर्डर लगता है नॉर्थ इंडिया का, उन पार्ट्स में जो लोग रहते थे वो कौन थे, निग्रेटो। और ऊपर से जो लोग अटैक करते हैं वो कौन थे, काकेशियन ब्रीड के लोग थे, ठीक। तो यही बात कर रहा है कि सोसाइटी में कौन थे, आर्यन। और आर्यन भी क्या थे, ये बाहरी थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे और कहा नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में आए थे, ठीक। इनकी रेस काकेशियन थी और ये प्रेयर करते थे। और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे आर्यंस, आर्यंस जो लैंग्वेज बोलते थे वो थी संस्कृत, ठीक है। एंड दे परफॉर्म रिचुअल्स, और बहुत सारी यज्ञ और प्रार्थनाएं भी करते थे, ठीक है। अब आइए दूसरे सोसाइटी में जिन लोगों की बात कर रहा है वो है दास एंड जना, यानी जिनको मैंने बताया था कि ये जो लोग थे जिनको आप निग्रेटो या निग्रो कहते हैं, उन्हीं लोग को यहाँ दास एंड जना कहा गया है। इनकी रेस निग्रेटो थी, ये प्रेयर नहीं करते थे और ना ही ये रिचुअल्स को फॉलो करते थे, ठीक है। उसका क्या रीजन है वो भी आगे बताऊंगा मैं। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो आर्यन से अलग थी, ठीक। यानी हमने देखा कि जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी उस सोसाइटी में दो तरह के लोग थे, ठीक है, एक तो साउथ वाला पार्ट हो गया, एक नॉर्थ। तो ये जो लोग थे, नंबर वन इनकी नस्ल क्या थी, निग्रेटो थी, ये किस कलर के थे, ब्लैक दिखते थे। आर्यन जो बाहर से आए थे उनकी नस्ल क्या थी, काकेशियन। और ये कैसे दिखते थे, ये गोरे चिट्टे व्हाइट दिखते थे, ठीक। अब दूसरा, इनकी लैंग्वेज अलग थी, ये संस्कृत बोलते थे और इनकी लैंग्वेज अलग थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ये जिन भी रिलीजन को मानते थे या इनकी जो प्रेयर्स थी, जो चीजें थी वो अलग थी, इनकी अलग थी, इवन कि ये लोग प्रेयर नहीं करते थे, ये करते थे, ठीक। अब बाद में आप देखेंगे कि इन दोनों में क्लैशेस होगा। तो जब आर्यन और जिनको दास कहा गया, यानी दास या दस्यु जो निग्रेटो है, इन दोनों में क्लैशेस होगा क्योंकि इनकी चीजें आपस में क्या करती थी, मैच ही नहीं करती थी। तो वहां पे ये आगे निकल जाएंगे, ये डोमिनेटिंग कंडीशन में रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही थोड़ा डेवलप थे, इन्होंने ट्रेवल की थी। आगे हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे बुक्स में कि ये लोग जो थे जो सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आए इस साइड में, वो क्यों आए थे, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज नहीं थी और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके वजह से उनको इधर माइग्रेट करना पड़ा था, ठीक। तो ये एक स्टार्टिंग से ही इनके अंदर फाइटरों वाली जो क्षमता कह सकते हैं वो डेवलप हो चुकी थी। और ये जहां भी ये लोग गए निकल के, वहां पे इन्होंने शासन किया। तो ये लोग जो दास और दस्यु यहां रहने वाले थे, इनसे डेवलप्ड फेज में थे, ठीक। और डेवलप होने का फायदा क्या उठाया, कि जितने भी जैसे एजुकेशन हो गया या लीडरशिप हो गई, ये सारे काम इन्होंने अपने पास रखे और इन लोगों को कुछ नॉर्मल, कुछ कॉमन काम सोसाइटी में दे दिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और इन सारी चीजों में इन लोगों ने हिस्सा इनको नहीं दिया, ठीक है। और क्या होता था, जब भी वार होता था, जब भी लड़ाइयां होती थी, तो इन दास और दस्यु को, यानी इनको निग्रेटो भी, ये पैरलर वर्ड है, दास दस्यु एंड निग्रेटो, इनको क्या किया जाता था, लड़ाइयों में इनको बंदी बनाया जाता था। और जो लोग बंदी बना लेते थे वो एक तरीके से इनके मालिक हो जाते थे, इवन इनके जीने मरने, ईच एंड एवरीथिंग के, ठीक। वो जिस तरह चाहते थे वो उस तरह इन लोगों को यूज करते थे, ठीक है। और इनके अलावा बहुत सारे सोशल रिस्ट्रिक्शन, इनके ऊपर बहुत सारे सोशल रिस्ट्रिक्शन भी थोपे गए थे, इवन
जो ये पूजा पाठ करते थे वो चीजें ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम ऐसा माना जाता है कि ये लोग मतलब साफ सफाई से नहीं रहते हैं या और भी जो अदर्स रीजन है जिसके वजह से इन लोगों को वो चीजें नहीं करने दी जा रही थी। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जो उस टाइम ऋग्वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी में दो तरह के लोग थे, एक लोग कौन थे जो आर्यन थे जो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे और दूसरे इसी कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग थे जिनको दास दसियों या इंग्लिश में आप उनको निग्रेटो कह सकते हैं, तो वो यहां रहने वाले थे। इनकी चीजें आपस में मैच नहीं करती थी, ना इनका कल्चर मैच करता था, ना लैंग्वेज मैच करती थी, या जिस रिलीजन या जिन चीजों को ये मानते थे वो भी नहीं मैच करती थी। ठीक, तो इनके क्लैशेस हुए और उनमें डोमिनेट कौन कर गया, आर्यंस कर गए, क्योंकि ये पहले से थोड़ा डेवलप थे, इनका सिस्टम डेवलप था। आगे इस पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी बहस और डिबेट होती है हिस्ट्री में इस चीज को लेके कि कौन इंडिया में सबसे पहले रहने वाला है, कौन बाद में आए, ये सारी चीजें, तो उस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी चैप्टर में बस इतना ही बताया गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहां लैंग्वेजेस के, यानी भाषाओं के बारे में बात कर रहा है, जो इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है ये टॉपिक उन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं, मेनली इंडिया में चार फैमिली, ठीक, अब यहां ये समझिएगा ये एक जड़ है, ठीक, एक रूट है और इस रूट से बहुत सारी नदियां निकली हुई हैं। ये समझने के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए कोई ग्लेशियर है और यहां से 8-10 नदियां निकली हुई हैं, तो ग्लेशियर का कुछ एक ग्लेशियर का तो एक ही नाम होगा और इन रिवर्स का अलग अलग नाम होता है, ठीक वैसे ही लैंग्वेज में है। ठीक, एक जो पहला ग्रुप है वो है इंडियन यूरोपियन फैमिली, तो ये क्या हो गया, ये एक ग्लेशियर की तरह हो गई। अब इनमें से जो जो लैंग्वेजेस निकली हैं वो लाइक रिवर्स, तो आइए देख लेते हैं। तो इंडियन यूरोपियन जो फैमिली है उसमें कुछ इंडियन लैंग्वेज है, कुछ यूरोपियन लैंग्वेज है और इनके काफी वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन कहां से हुआ, इंडियन यूरोपियन फैमिली से हुआ है, तो इनकी काफी चीजें आपस में मिलेंगी वो भी हम देखेंगे। तो इसमें पहले इंडियन में देख लेते हैं, इंडियन में संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी और एसमीज लैंग्वेज आती है, ओके, और यूरोपियन में इटालियन, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज आती है। ठीक, यानी ये एक ही फैमिली से निकले हुए हैं, चाहे वो इंडियन लैंग्वेज हो या यूरोपियन लैंग्वेज हो, ठीक है, और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंग्लिश में मदर कहा जाता है, हिंदी में माँ और संस्कृत में मातृ, तो इसमें देखेंगे एम काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें इन तीनों वर्ड्स में काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिल रहा है क्योंकि ये एक ही फैमिली की क्या है, लैंग्वेज है। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट फैमिली, ये भी एक तरह का नेक्स्ट, जैसे ग्लेशियर मैंने बताया था वैसे ही समझिएगा, जो द्रविड़ियन फैमिली है इस द्रविड़ियन फैमिली में चार लैंग्वेज है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है, इसके अलावा तिब्बत एंड बर्मन फैमिली है। इसमें क्या होता है, जो आप इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखते हैं उसमें आप असम को छोड़ देंगे तो उसके अलावा इस पूरे पार्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो तिब्बत बर्मन फैमिली की लैंग्वेज है, ओके। लास्ट है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ये भी एक लैंग्वेज का ग्रुप है, भाषाओं का समूह है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो जो झारखंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आती है, इसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो लैंग्वेज किसमें आती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। यानी हमने ये देखा कि इंडिया में मेनली चार ग्रुप की लैंग्वेज बोली जाती है, फर्स्ट है इंडियन यूरोपियन जिसमें ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक, दूसरा हमने द्रविड़ियन, तीसरा टिबेट और बर्मन फैमिली और चौथा ये ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेगालिथिक एज, इसको हिंदी में कहते हैं महापाषाण युग, और जब आप देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा यानी बिग, और लिथिक का मतलब क्या हो जाएगा, स्टोन,
तो क्या हो गया, बिग स्टोन, इसके नाम से ही पता चलता है। वही सेम हिंदू में महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब स्टोन। तो ये किस एज के बारे में बात कर रहा है? ठीक है, ये उस एज के बारे में बात कर रहा है जिस एज में और जिस सोसाइटी में बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई चीजें मिली और उस समाज में, उस सोसाइटी में पत्थरों का बहुत ज्यादा यूज हुआ, उसी को क्या कहा गया, मेगालिथिक एज यानी महापाषाण युग। अब यहां मैप में आप एक बात समझिएगा कि जो आर्यंस थे, आर्यंस तो नॉर्थ इंडिया में थे, लेकिन ठीक उसी के पैरेलल ये जो साउथ इंडिया है, इस साउथ इंडिया में मेगालिथिक एज यानी महापाषाण काल यहां चल रहा था। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कुछ जगहों को जहां से मेगालिथिक एज के बारे में एविडेंसेस मिले हैं, मेगालिथिक सोसाइटी के भी बारे में जानेंगे और वहां का रहन सहन या जो कैटल थे या और भी जो चीजें थी उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज कि मेगालिथिक एज में बिग स्टोन्स यानी बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई ग्रेव मिली हैं, कब्रें मिली हैं, कहां पे, इन सारी जगहों पे। ठीक है, और मेगालिथिक एज की जो सोर्स है उसके बारे में जानकारी का, वो सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वो है ग्रेव यानी कब्रें। कब्रों में जो जो चीजें मिली हैं उसी पे रिसर्च करके जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने मेगालिथिक एज की हिस्ट्री को बिल्ड किया है, बनाया है। ठीक है, और वो सारे एविडेंसेस कहां मिले, ज्यादातर कब्रों में मिले हैं। ठीक है, व्हाट वॉज फाउंड इन द ग्रेव। अब आइए देखते हैं कि उन कब्रों में जो वो कब्रें मिली हैं उनमें, उन ग्रेव्स में क्या क्या पाया गया। ठीक, तो उसमें पाया गया क्ले पॉट्स, ठीक, इसके अलावा आयरन के टूल्स और वेपन्स। यानी अभी तक इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे जिन सोसाइटीज के बारे में, तो उन सोसाइटीज में आयरन का जिक्र नहीं हुआ था, लोहे का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन मेगालिथिक एज में लोहे का जिक्र है और इससे बने हुए टूल्स और वेपन यहां पे मिले हैं, लोहे से बने हुए। और कब्रों में हॉर्स और ह्यूमन का क्या मिला है, स्केलेटन मिला है। यानी इन कब्रों में हॉर्स और ह्यूमन का कंकाल मिला है, स्केलेटन। ठीक, और स्टोन और गोल्ड से बने हुए बहुत सारे ज्वेलरी के सामान भी मिले हैं। ठीक है, कहां से, इन कब्रों से। ठीक, तो इन कब्रों में वो सारी चीजें मिली। अब आइए यहां पे आप देख रहे होंगे, ग्रेव देख रहे होंगे, देख लेते हैं कि उस टाइम पे ग्रेव कितने टाइप्स की होती थी। तो एक तो ये हो गया ग्रेव, जिसमें बीच में देखें यहां पे जो डेड बॉडी थी उसको दफनाया जाता था, और साथ में ये किनारे डिजाइन से बने हुए रखे हुए पत्थर आप देख सकते हैं। तो ये तो एक टाइप हो गया। अब इस तरह की कब्र बनाने के लिए, ग्रेव बनाने के लिए, ये जरूर किसी स्पेशल पर्सन की होगी, नॉर्मल इंसान की तो ऐसी कब्र नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उस टाइम में जो सोसाइटी में नॉर्मल लोग थे उनकी जो कब्रें होती थी, मान लो ये ग्रेव है और ग्रेव गड्ढा खोदा और यहां साइड में एक पत्थर लगा दिया, इस टाइप की भी कब्रें मिली है एक टाइप की। दूसरी ये है कि ग्रेव के ऊपर नॉर्मली पत्थर से ढक दिया गया। यानी चार पांच किस्म की कब्रें मिली हैं और हर कब्र में, हर ग्रेव में अलग अलग चीजें मिली हैं। जो बहुत अमीर था सोसाइटी में, जो बहुत रिच था या स्पेशल फैमिली थी, उनकी कब्रों की बनावट आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग थी, और उसमें जो रखे हुए सामान है वो भी बहुत अच्छे लेवल के मिलते थे। जैसे उसमें गोल्ड की चीजें मिलती थी, इसके अलावा बहुत सारे फल फ्रूट्स और ढेर सारे पॉट्स, क्ले पॉट्स मिलते थे। ठीक है, ये सारी चीजें, और जो नॉर्मल कब्रें थी उनमें हल्के फुल्के एक दो क्ले पॉट्स मिल जाते थे, इस तरह की चीजें मिलती थी। यानी कि उस टाइम पे जो कब्रें भी बनती थी वो कई टाइप्स की थी, और ये डिपेंड किस पे करता था, सोसाइटी में आपके स्टेटस पे। ठीक है, तो ये आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही कह रहा है, ग्रेव ऑल्सो रिवेल्स द सोशल स्टेटस ऑफ पीपल। यानी लोगों की जो ग्रेव थी उससे उनके सोशल स्टेटस के बारे में क्या चलता है, पता चलता है कि कौन अमीर था, कौन गरीब था। ठीक, अब यहां पहला पॉइंट कह रहा है
कुछ ग्रेव में ढेर सारे सामान मिले हैं, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी मिली है, बहुत सारे क्ले पॉट्स मिले हैं, शंख और वेपन्स। तो उससे ऐसा फील होता है कि ये जो ग्रेव रही होगी, जहां पे इतने सारे सामान मिले, वो किसी न किसी रिच पर्सन की रही होगी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रेव से क्ले पॉट्स मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो भी बहुत थोड़े बहुत। तो इससे ये अंदाजा लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि कहीं ना कहीं ये एक पुअर पर्सन की ग्रेव होगी, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ग्रेव्स में एक ही साथ बहुत सारे स्केल्टन मिले हैं। तो इससे ये आर्कियोलॉजिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि ये जो ग्रेव थी वो किसी रूलर की रही होगी, या सोसाइटी में जो बहुत हाई क्लास होगी उसकी रही होगी। अब वो क्या था, उसको फैमिली ग्रेव्स भी कहा गया है, कि मान लो ये कोई ग्रेव है, ठीक। और इस ग्रेव में अलग अलग टाइम पे, जैसे एक फैमिली चल रही है, अभी करंट में चल रही है, उसके चार पांच लोग डेथ कर गए, ठीक, उनको दफना दिया गया, और बाद में उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी इन्हीं जगहों पे दफनाया गया। तो वो इसी की बात कर रहा है, क्योंकि एक जगह पे बहुत सारे स्केलेटन के एविडेंसेस मिले हैं। तो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि जो फैमिली है वो फैमिली ग्रेव थी, स्पेशल जो लोग थे उनकी ग्रेव थी, वहां पे एक ही जगह सारे लोगों को क्या किया गया, दफनाया गया था, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए एक दो जगहों को देख लेते हैं जो मेगालिथिक साइट्स हैं, यानी उनको कह सकते हैं मेगालिथिक एज की आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो मिली है, जहां से एविडेंसेस मिले हैं। हिंदी में उसको पुरास्थल भी कहा जाता है। एक जगह है ब्रह्मगिरी साउथ में, ठीक है, ब्रह्मगिरी से एविडेंसेस मिले हैं और इनाम गांव से मिले हैं जो महाराष्ट्र में है। इसके बारे में नेक्स्ट हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जगह कहां मिली है मेगालिथिक एज में, इनको मैप पे देख लीजिएगा, इनके पास कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर गुजरती है, और यहाँ क्या क्या चीजें मिली हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो यहीं से बनता है, ठीक है। और वो वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि एक ही टाइम में इंडिया में दो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी। एक नॉर्थ इंडिया में था, जो कौन थे, आर्यन लोग थे, जो वैदिक सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, और वहीं साउथ में मेगालिथिक एज था। और इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस थे, इनके सोसाइटी में, इनके वेपन्स में, इनके रहने सहने के तरीके में, उसको बहुत बेहतर ढंग से आप एनालाइज करिएगा। आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, अदर रिसोर्सेज भी पढ़े हैं, और फिर भी कोई क्वेश्चन बचे तो आप मुझसे जरूर पूछें, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेगालिथिक एज में दो जगहों की बात की गई, एक तो ब्राह्मगिरी की बात की गई और दूसरा इनाम गांव की बात की गई। इनाम गांव जब देखेंगे तो इनाम गांव है महाराष्ट्र में, वहां पे एक रिवर है, मान लो ये इनाम गांव है, ठीक, ये एक जगह है इनाम गांव, और यहां पे एक रिवर है जिसका नाम है घोड़ रिवर। ये है घोड़ रिवर, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है भीमा रिवर की। तो भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है घोड़ रिवर, उसी घोड़ रिवर के किनारे इनाम गांव मिला है, ठीक। तो यहां से अगर क्वेश्चन बनता है कि इनाम गांव कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि घोड़ रिवर के पास मिला है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या चीजें मिली हैं। ये किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है लगभग 3000 BC के आसपास, यहां पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है 36। तो उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, लेकिन आज इसे देखेंगे तो लगभग कितना पहले, आज से 5 से 6 हजार साल पहले की बात हो रही है, जब ये सारे एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि इनाम गांव में बहुत सारी ग्रेव्स के क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, ठीक। एक चीज यहां जो मेगालिथिक एज की जो साइट्स हैं उनसे सबसे अलग था इनाम गांव में, वो क्या था कि डेड बॉडी को, अभी तक हमने देखा इससे पहले कि डेड बॉडी को क्या किया जाता था, बाहर कहीं भी दफना दिया जाता था ग्रेव बना के, लेकिन इनाम गांव में ये देखने को मिला कि अगर ये घर है आपका तो घर के ही अंदर ग्रेव बना के, कब्र बना के उसमें लोगों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, ठीक है। तो
ये जो था यहाँ पे अलग था, इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहां भी जो ग्रेव पाई गई है, ग्रेव में वही सारे जो क्ले पॉट्स थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो सारे यहां पाए गए हैं। उनमें उसके साथ साथ फूड भी पाया गया है, फूड के साथ वाटर भी रखा गया था, और भी अदर जो जरूरत की चीजें थी वो चीजें डेड बॉडी के साथ पाई गई हैं। इससे पहले चैप्टर मैंने एक पॉइंट बताया था कि उस टाइम के लोग ऐसा बिलीव करते थे कि जो ये इंसान है ये मरने के बाद भी क्या होता है, जिंदा होता है। तो इसलिए क्या करते थे, वो उनके जरूरत की जितनी चीजें होती थी, खाने पीने की या जो ज्वेलरी है पहनने की उस टाइम पीरियड में, तो वो सारी चीजें उस पर्सन की डेड बॉडी के पास ग्रेव में रख दी जाती थी, कब्र में रख दी जाती थी, और ये लोगों की मान्यता थी ये पर्सन उसको यूज करेगा। ठीक है, ले बोलो बोलो मिली है। ठीक है, अब आइए देखते हैं और क्या अलग था इनाम गांव में। इनाम गांव में एक चीज और अलग था कि ये जो कब्रें होती थी, ठीक है, इन कब्रों में जो डेड बॉडी होती थी, ये मान लो एक कोई डेड पर्सन है, उसको बिल्कुल सीधा लिटाया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो सर होता था वो नॉर्थ साइड में होता था, यानी यहां पे ज्यादातर ग्रेव्स में ऐसा देखा गया, पता नहीं जो भी रीजन रहा हो, कि जो डेड बॉडी थी उसको बिल्कुल फ्लैट मुंह ऊपर की तरफ होता था, ऐसे लिटाया गया, और सर जो होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था। ठीक है, तो यहां की कब्रों में देखने को मिला है, इस डिफरेंसेस से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आइए और देखते हैं अदर थिंग्स, और क्या क्या चीजें हमें इनाम गांव में देखने को मिलती हैं। तो इनाम गांव में एक 5-roomed हाउस मिला है, यानी ये 5 कमरों का घर मिला है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि ये 5 कमरों का घर किस मेगालिथिक साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर मिला है, तो वो है इनाम गांव, वहां पे 5 कमरों का एक घर मिला है। इसके अलावा ग्रेनरी यानी अनाज रखने का गोदाम, ये चीज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा था, कि वहां पे आज जैसे करंट में आप देखते हैं कि अनाज के स्टोरेज के लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे स्टोरेज हाउसेस बना रखा है जहां पे किसानों से अनाज खरीदा जाता है और यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो ठीक यही चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिली और इनाम गांव में भी देखने को मिली, कि वहां पे अनाज रखने के लिए एक स्टोरेज बनाया गया था। ठीक है, अब यहां कुछ क्रॉप्स और उनके सीड्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इनाम गांव में कुछ सीड्स मिले हैं, किसके, कुछ क्रॉप्स के। अब देखते हैं कौन कौन सी वो क्रॉप्स थी, तो वो था वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, पीस, मिलेट, यानी इनाम गांव में जो सीड्स मिले हैं फसलों के, उनमें कौन कौन से, गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर और ज्वार, इन सारी फसलों के सीड्स इनाम गांव से मिले हैं। इसके अलावा स्केल्टन ऑफ कैटल, यानी जानवरों के, कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली है, कुछ एनिमल्स की हड्डियां भी हमें इनाम गांव से मिली है, और कौन कौन से एनिमल थे, वो था काऊ, हॉर्स, फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल, डियर, बफेलो, सांभर, एस, पिग। ठीक, इन सारे एनिमल्स की क्या मिली है, स्केल्टन मिली है, हड्डियां मिली है। अब देखिए यहां पे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिससे ना वहां पे जो हिरन मिले, जो डियर मिले हैं, उनकी बहुत सारे टाइप्स मिले हैं, 2-3 टाइप्स के मिले हैं ये, तो उससे उछा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेगालिथिक एज में ये एनिमल्स कहां पे पाए गए थे, तो इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से आप याद करेंगे। ठीक है, लास्ट है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स अगर आप देखें इनाम गांव में, तो वहां पे मिला है डेट्स, बेर, आंवला और जामुन, ये 4 तरह के जो फ्रूट्स हैं वो हमें इनाम गांव से देखने को मिले हैं। तो अभी तक जो मेगालिथिक एज देख रहे थे उसमें हमने उसके बारे में डिटेल से जाना, और जो कुछ मेन जगह थी, आर्कियोलॉजिकल साइट थी, जैसे ब्रह्मगिरी
और दूसरा ये था इनाम गांव, उसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा। ठीक, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है और इस चैप्टर को आप अपने बुक से भी रिविजन करिएगा। और इसमें क्या क्या पढ़ा आइए एक बार और हम समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में वेदास के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के वेदास थे, वेद क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये चीजें देखी, उनको लिखा किसने और वैदिक पीरियड की सोसाइटीज कैसी थी उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। उसके बाद सेम पैरेलल, ये बात हमेशा बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में तो वैदिक एज था लेकिन साउथ इंडिया में मेगालिथिक एज था, और मेगालिथिक एज के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ा है। ठीक, तो इसको अच्छे से याद करिएगा आप। और इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मैंने बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस की एक सीरीज होगी उसमें डिटेल से आपको नोट्स और जो क्वेश्चन है चैप्टर के वो मिलेंगे। ठीक, साथ ही साथ इस हिस्ट्री क्लास के साथ अदर क्लासेस भी चल रही है, अदर सब्जेक्ट की, जैसे ज्योग्राफी चल रही है एनसीईआरटी में, पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, उनको भी आप देखें। और इसके अलावा अलग अलग बैचेस चल रहे हैं जैसे हिस्ट्री इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इनके अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, तो वो जाके वहां पे जुड़ें और उसको देखें। ठीक, हमसे और हमारे एक्सपर्ट्स से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर का, वहां जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। उस ग्रुप में हमारे एक्सपर्ट हैं जो आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरी हैं, उस पर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।